हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सास बहू और बेटियां। बिग बॉस 15 आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है, बहुत फेमस हो रहा है और आज रात आने वाले हैं चैलेंजर्स। और उन्हीं में से एक चैलेंजर आज हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ है आकांक्षा पुरी। हेलो आकांक्षा, वेलकम टू सास बहू और बेटियां। हाय, थैंक यू सो मच। तो पहले तो ये बताइए, बिग बॉस 15 का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला दिन, शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई मेरी बिग बॉस के साथ। एंड एक्सपीरियंस, आई थिंक इतने टाइम से मैं बस सुन रही हूँ, हर साल चर्चे में रहती हूँ, एंड इस बार फाइनली आई एम देयर एज अ चैलेंजर। तो बहुत मजा आया, बहुत बहुत कुछ करके आए हैं। पता नहीं बाहर आके क्या क्या सुनने को मिलने वाला है, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मजा आया। और ये भी पता चला कि बाहर से देखना कितना अलग होता है और अंदर जाके कितना डिफिकल्ट होती है चीजें। बात करें आपके, आपका नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है कि आप बिग बॉस में जाने वाली हैं, आप बिग बॉस में जाने वाली हैं, बट इस बार एज अ चैलेंजर आप गई हैं। तो जी मतलब कितना मजा आया लोगों, मतलब आपके बाकी कंटेंडर्स को रोस्ट करने के लिए, तड़पाने के लिए? ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। मुझे ये मौका मिला तो मैंने इसका पूरा मजा उठाया, इस मौके का। मुझे, मैंने वेस्ट नहीं होने दिया ये मौका। बहुत मजा आया, रोस्ट किया। आई थिंक कुछ लोग काफी सो गए थे, नींद में चले गए थे। हमने उन्हें हिला दिया, थोड़ा नींद से जगा दिया और बता दिया कि ये आखिरी पड़ाव है, ये अभी फिनाले आने वाला है गाइस, थोड़ा बका। एंड बहुत, इनफैक्ट मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया था चैलेंजर बन के जाना, बिकॉज अब आप जो देखेंगे वो बहुत अलग होगा जो आप पहले देख रहे थे। फाइनली एक सीरियसनेस आ गई है सब में हमारे जाने के बाद, एंड लोगों को रियलाइज हो गया कि टिकट टू फिनाले है, ये फाइनल है, इसके बाद बस गेम खत्म होने वाला है। तो आई थिंक वो करना बहुत जरूरी था। बात करें चैलेंजेस की, तो आपने किन लोगों को तड़पाया है, मतलब थोड़ा जिस्ट अगर आप बता सके तो? आई थिंक कुछ चीजें तो प्रोमो में आपने एक झलक देख ली होगी कि लोग उल्टियां कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, बट तड़पाने में हमने किसी को नहीं छोड़ा। हमने हर एक को तड़पाया, भले ही वो हमारा फेवरेट हो, उसको तो हमने सबसे पहले तड़पाया, बिकॉज ये इसमें हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग चैलेंजर्स हैं और इसी के लिए हम गए हैं, एंड आई थिंक ये उनके फेवर में रहा, बहुत फायदा हुआ इससे उनको। एंड कुछ लोग टिकट टू फिनाले जीत गए इस वजह से, तो आई थिंक ये काफी जरूरी था इस पॉइंट पे। अगर बात करें चैलेंजर्स की, अगर अगले साल आपको आना हुआ और आपको ये सारे चैलेंजेस करने पड़े, तो क्या आप ये चैलेंज के लिए तैयार हैं? मैं एक्चुअली यही बात कर रही थी जब मैं उनसे करवा रही थी, मैं ना, यार यहाँ से बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि हम लोग करवा रहे हैं। अगर यही चीज, काफी कुछ हमने किया भी है जो आपको दिखेगा एपिसोड में, बट डेफिनेटली हैट्स ऑफ जो उन्होंने जो सब किया, जो खाया, जो सब बर्दाश्त किया उसके लिए। बट आई थिंक ये गेम ही कुछ ऐसा है और अभी आप जीत के इतने करीब हैं, बहुत बहुत कम टाइम बचा है, तो मुझे लगता है अगर मैं भी वहां होती तो डेफिनेटली सारे हदें पार कर देती, क्योंकि ट्रॉफी अब बहुत करीब है और आप ट्रॉफी को हाथ से नहीं जाने देते। अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस क्या क्या होने चाहिए, कि मतलब क्या करना चाहिए उनको फाइनल्स पे आने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? आई फील एक तो उन्हें अपना 100% देना चाहिए। अब एक लेड बैक एटीट्यूड, जो थोड़े से लेजी हो गए कहीं ना कहीं, फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि अब तो बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं, अब हम यहाँ तक तो आई गए हैं, अब सब पब्लिक पे छोड़ दिया है कि अब देखिए, अब तो जिसे वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। तो आई थिंक ये फॉर ग्रांटेड लेने वाला जो एटीट्यूड है वो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। पब्लिक भी हर हर वीक, हर दिन आपके फैंस बदलते हैं, हर दिन वो आपको देख रहे हैं, तो आपको रोज अपना 100% देना पड़ेगा, उससे ज्यादा देना पड़ेगा। और बस अब आप दोस्ती, यारी, रिश्ते, जितनी भी चीजें हैं उनको सबको थोड़ा पीछे रखते हुए अभी सिर्फ 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 और सिर्फ गेम पे अपना ध्यान दें। मुझे लगता है सब कंटेस्टेंट्स को वही करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं अभी भी वो रिश्तों में और दोस्तियों में कहीं ना कहीं फंसे पड़े। रिश्ते बहुत जरूरी हैं इस गेम में, आई थिंक एक स्ट्रेंथ मिलती है आपको, बट इस पड़ाव पे ट्रॉफी सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। बात करें रिश्तों की, तो भाई करण और तेजस्वी के रिलेशनशिप का की लव स्टोरी तो भाई ट्रेंड हुई है, तो उस बारे बिल्कुल, में आप क्या कि कहना चाहेंगे? मुझे भी पर्सनली, मैंने काफी लोगों को बोला भी है कि बहुत ही गुड लुकिंग कपल लगता है मुझे, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड इंडिविजुअल्स हैं, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत अच्छा लगता है उन लोग को देख के, उनको प्यार करके देख के, मतलब हमें प्यार करने का मन करता है, इतनी प्यारी जोड़ी लगती है। बट मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं, जैसे मैं तेजा को देखती हूँ, मुझे लगता है बहुत ज्यादा उनमें कहीं ना कहीं अपने करण के लिए वो अपने गेम में थोड़ी पीछे रह जाती है। मुझे उनमें उससे काफी ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। करण काफी एक्सपीरियंस है, रियलिटी शोज कर चुके हैं, तो मुझे लगता है वो उस चीज को फिर भी बैलेंस कर लेते हैं। बट
बट तेजा शायद नहीं कर पाती है, एंड मैं इसीलिए मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग है, बट कहीं ना कहीं ये रिश्ता उनके बीच में आ जाता है, मुझे ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है। तो मुझे लगता है अगर आपकी जोड़ी है तो भार भी बरकरार रहेगी, अभी आपको गेम पे ध्यान देना चाहिए। ओके तो एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट क्वीन राखी खुद अंदर है, तो उसके उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है राखी के लिए तो एक परमानेंट सीट बिग बॉस को बना देनी चाहिए हर सीजन में, कि कोई आए ना आए राखी सावंत आनी चाहिए, बिकॉज उनके आते ही एक अलग तड़का लग जाता है शो में, मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे ये लगता है कि अगर ये लोग इतने ठंडे रहे तो कहीं ऐसा ना हो सब यही रह जाए और राखी ट्रॉफी लेके निकल जाए और फिर अगले सीजन फिर आके बैठ जाए, तो आई थिंक इसलिए लोगों को सीरियसली लेना चाहिए, राखी सावंत है वो, तो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली वो, हर एक फ्लेवर है उनके अंदर, तो मुझे बड़ा मजा आता है उनको देख के इस शो में। रश्मि और देवोलीना जो है उनकी भी कभी फ्रेंडशिप है दिख रही है, कभी दुश्मनी दिख रही है, तो आपको क्या लग रहा है आप जब अंदर गई थी तो आपको क्या लगता है उनके अंदर क्या मतलब केमिस्ट्री क्या है उनकी? एक्चुअली इतने कम टाइम में आप किसी को जज नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है पर्सनली कि अगर आपकी दोस्ती है और वो इतनी लंबी इतनी पुरानी दोस्ती है तो एक शो के बेसिस पे वो दोस्ती खत्म नहीं होती, अगर कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो बाहर आके भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो मुझे लगता है रश्मि और देवोलीना दोनों काफी सेंसिबल है, मच्योर है, जो कर लेंगी। अभी मुझे लगता है उनकी दोस्ती या रिश्ते को हमें गेम पे जज नहीं करना चाहिए। बात करें अगर बाकी चैलेंजर्स की, सुरभि, विशाल, मुनमुन, तो उनके साथ आपके बॉन्डिंग कैसी रही उन जितने दिन आप थे उनके साथ? एक्चुअली मुझे लग रहा है ऐसा लग रहा था कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं, बहुत ही मजा आया, बॉन्डिंग ऐसी हो गई थी कि लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये लोग सच में पहली बार मिले, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था। हम लोग बहुत बहुत मस्ती की हम लोगों ने साथ में, एंड बहुत अच्छा बॉन्ड, इमीडिएट बॉन्ड हो गया सबका एक दूसरे के साथ, एंड आई सो विश मुझे बहुत और टाइम स्पेंड करने को मिलता उन सबके साथ, बट आई होप आगे मिलेगा एंड ये दोस्ती रहेगी आगे, कनेक्शन रहे, बिकॉज मुझे बहुत मजा आया उनके साथ। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, नेक्स्ट ईयर अगर यही चार आप चार चैलेंजर्स चार कंटेस्टेंट्स बनकर आए तो आपको क्या लगता है आपकी सबसे ज्यादा केमिस्ट्री किसके साथ बैठेगी? आई थिंक मुझे लगता है कि केमिस्ट्री भी और मुझे लगता है झगड़े भी, क्योंकि ये कुछ गर्मा गर्मी हम लोगों की, मुझे लगता है इस घर का माहौल ही ऐसा है कि ऑलरेडी होने लग गई थी, बट मुझे लगता है चारों के साथ, बट मुनमुन के साथ और सुरभि के साथ मुझे लगता है मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री जमेगी। ओके बात करें बिग बॉस की, बिग बॉस फाइनल तो अभी बस कोने में ही है, तो आपको क्या लगता है विनर किसे बनना चाहिए? हालांकि आपने ऑलरेडी बता दिया राखी सावंत, बट राखी के अलावा आपको क्या लगता है? एक्चुअली राखी तो जैसे मुझे मैंने बोला उनके लिए अलग ट्रॉफी रख देनी चाहिए, अलग सीट रख देनी चाहिए बिग बॉस में, बट मुझे लगता है शमिता जैसे खेल रही है शो डे वन से, मुझे इवन ओटीटी से मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग है और काफी क्लोज है ट्रॉफी की, मुझे लगता है अगर वो अपना 100% ऐसी ही देती रहे और ऐसी ओपिनियंस देते रहे वो मुझे विनर दिखती है। काफी कंट्रोवर्सीज घिरी रही थी शमिता से रिलेटेड भी, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये शो ही इतना कंट्रोवर्शियल है और मुझसे बेटर इस चीज को कोई नहीं जानता, तो मुझे लगता है जहां ये शो है कंट्रोवर्सी तो होगी और आपको प्रिपेयर होके ही इस शो में जाना चाहिए, तो ठीक है वो तो शो जब तक चलेगा और नई कंट्रोवर्सीज भी आएंगी, बट इन चीजों को पीछे रख के एंड आई थिंक वो इग्नोर कर रही है, उनको काफी बैलेंस करना आता है, और मैं काफी सरप्राइज हो जाती हूँ, मैं जब थी तभी भी मैं उन्हें देख रही थी कि यार कोई सोते हुए भी इतना सुंदर कैसे लग सकता है, मतलब वो फ्रेम में आते ही फ्रेम अच्छा दिखने लगता है, मैं सरप्राइज हूँ कि यार हम तो सोते हुए कैसे दिखते हैं, ये इतनी सुंदर कैसे दिखती है, तो आई एम लाइक मेरा फुल सपोर्ट है शमिता को और मुझे वो बहुत स्ट्रांग लगती है शो में। बात करें बाकी कंटेस्टेंट्स की जैसे प्रतीक, निशांत, ये सारे आपको कैसे लग रहे हैं, क्या कंटेंडर्स कितने हैं? जी निशांत ने तो हैट्स ऑफ, उन्होंने मतलब हमने काफी चैलेंजेस दिए थे एंड जैसे निशांत, करण, इनफैक्ट सभी लोग जैसे खेले हैं शो में, मतलब जो टास्क दिए गए थे हैट्स ऑफ, उन्होंने अपना मोर देन 100% दिया, निशांत शुरू से ही बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट मुझे नहीं पता कहीं ना कहीं कुछ कमी शायद रह जाती है, एंड प्रतीक के साथ भी मुझे लगता है वो पर्सनल चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, उस चीज में कहीं फंसे पड़े रह जाते हैं रिश्तों में, तो उस चीज को उनको इग्नोर करके आई थिंक गेम में, क्योंकि प्रतीक में बहुत पोटेंशियल है, बट इसी चक्कर में प्रतीक थोड़े पीछे रह जाते हैं मुझे लगता है, तो अदरवाइज मुझे बहुत स्ट्रांग लगते हैं निशांत और प्रतीक का गेम बहुत अच्छा है, मैं डेफिनेटली उन्हें टॉप 5 में देखती हूँ। ओके एंड व्हाट अबाउट उमर रियाज?
उमर डेफिनेटली, मैं उमर को मैं बहुत कंफ्यूज हूँ जब मैं, मुझे लगता है कि मैं शमिता, मुझे उमर भी एक विनर दिखते हैं, क्योंकि उमर बहुत स्ट्रांग है. और जैसे वो निकल के हमेशा उन्होंने एक फीडबैक को पॉजिटिव वे में लिया है, काफी टाइम उन्हें फीडबैक मिले, वो चेंजेस हमने उमर में देखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्ट्रांग लगते हैं एज अ कंटेंडर. लास्टली आपको बिग बॉस, अगर बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को टिप्स देना चाहे तो आप क्या देंगे? अगर टिप्स लेना चाहे तो टिप्स यही है कि बस ऐसे ही अपना 100% दीजिए, अब और चैलेंजर्स ना लाने पड़े, आई होप. एंड सीरियसली लीजिए, कुछ थोड़े ही वीक्स बचे, दोस्ती रिश्तेदारी, दोस्त है समझ जाएगा बाहर आके, ये सब चीजें थोड़ा साइड में रख के अभी सिर्फ ट्रॉफी पे अपनी नजरें जमा के रखिए बस. थैंक यू सो मच आकांक्षा हमसे बात करने के लिए. थैंक यू कृतिका, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर. टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू. थैंक यू.